सुप्रभात बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आ की मात्रा से एक गतिविधि करने जा रहे हैं। आशा है आप उसे जरूर समझेंगे। मौसमी मैडम, हमने आ की मात्रा को तो अच्छी तरह सीख लिया, उसका प्रयोग भी अच्छी तरह सीख लिया, और वो सारे व्यंजनों में कैसे लगाया जाता है वो भी सीख लिया, लेकिन उसे सही तरीके से कहाँ पर लगाया जाता है आप थोड़ा सिखाइए आशा। हाँ जरूर। तो बच्चों, आ की मात्रा सही स्थान पर कैसे लगती है और कहाँ लगती है, आज मैं वही आपको समझाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कार्ड में एक शब्द लिखा है। देखिए, जैसे शब्द है प य ल, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, यह बिना मात्रा वाला शब्द है। तो इस पर मैं अभी कहाँ पर सही आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा मैं अभी समझाने जा रही हूँ। तो शब्द था, कार्ड का शब्द था बच्चों प य ल। अभी मुझे यहाँ पर आ की मात्रा कहाँ पर डालना है, तो सबसे पहले मैं सभी व्यंजनों में इसका प्रयोग करना सीखूंगी। जैसे प, अगर मैंने प में आ की मात्रा लगाया तो यह शब्द बना पायल। तो लग रहा है आपको पायल का कुछ अर्थ है? हाँ अवश्य, क्योंकि पायल हम कहाँ पहनते हैं बच्चों, पैरों पर, और जिसकी आवाज़ होती है रुंझुन। तो हाँ, इसका अर्थ है सही कि यह एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो दूसरा व्यंजन है या, अभी मैं लगा के देखूंगी प या ल। लग रहा है कि यह एक सही शब्द है, अर्थ इसका कुछ है नहीं, पयाल का कुछ अर्थ नहीं, तो यह गलत है। ठीक उसी प्रकार मैं अभी अंतिम व्यंजन में लगाऊंगी, अर्थात प या ल, इसका भी कोई अर्थ नहीं, यह भी सही तरीके से यहाँ पर मात्रा नहीं लगाया गया है। तो इसी प्रकार हम मात्रा की चुनाव कर सकते हैं कि वह कौन से व्यंजन पर लगने से उसका कुछ सही अर्थ निकले। तो इसी के आधारित हमने आज एक गतिविधि तैयार की है। मैंने एक तरफ देखो बच्चों लिखा है गलत, अर्थात गलत शब्द, और एक तरफ लिखा है सही, यानी सही शब्द। अर्थात हमने कुछ ऐसे ही कार्ड बनाए हैं जिसमें हमने आ की मात्रा वाले शब्दों को कुछ गलत रूप से लगाया है और कुछ सही रूप से लगाया गया है। तो एक एक करके हम कार्ड उठाएंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, जो सही शब्द होगा सही जगह पर लगाएंगे, जो गलत शब्द होगा गलत जगह पर लगाएंगे। तो चलिए इस खेल को खेलते हैं। प्रीति मैडम, आप शुरू कीजिए। बच्चों, ये क्या शब्द है, कौन सा शब्द है? ट मा ट र, ये क्या लिखा है? टमाटर। तो क्या ये सही है, इसका कोई अर्थ है? हाँ, ये सही शब्द है टमाटर, तो मैं इसे सही के स्थान पर लगाती हूँ। मैडम, आप अगला शब्द लीजिए। मेरा शब्द है देखो बच्चों ट म टा र, क्या लग रहा है यह एक सही शब्द है? नहीं, क्योंकि देखो ट के स्थान पर आ की मात्रा लगाई गई है और शब्द बनता है ट म टा र, जबकि वह शब्द है टमाटर। यह तो पूरी तरह से गलत है। तो यह एक गलत शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, तो मैं यह शब्द कहाँ लगाऊंगी, गलत के जगह पर। अब अगला शब्द लिखा है बच्चों अ ना र, तो ये क्या हुआ? अनार। और आ की मात्रा कहाँ लगी है? न में। अनार, अनार, अनार यानी हम जो फल खाते हैं अनार। तो ये क्या आपको सही लग रहा है? हाँ, यह सब सही है, तो इसे हम सही के स्थान पर लगाएंगे। देखो बच्चों, मेरा दूसरा शब्द है अ न र, क्या आपको लगता है यह एक सही शब्द है? क्या इस पर सही मात्रा का प्रयोग हुआ है? नहीं, आ की मात्रा यहाँ गलत जगह पर प्रयोग हुआ है। देखो कैसे अ न र, तो जाहिर है यह एक गलत शब्द है, तो मैं इसे लगाऊंगी गलत के जगह पर।
बच्चों मेरा अगला शब्द है क। क में आ की मात्रा का न, यह क्या लिखा हुआ है? कान। तो यह क्या सही शब्द है? हाँ, कान का अर्थ होता है यह जिसे हम सुनते हैं, कान। तो यह सही शब्द है, तो इसे हम कहाँ लगाएंगे? सही के स्थान पर। बच्चों मेरा अंतिम शब्द है क न। फिर से इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मात्रा गलत स्थान पर लगाया गया है। क न, यह गलत है, तो इसका कोई अर्थ नहीं, तो इसे भी हम गलत की जगह पर लगाएंगे। तो बच्चों देखा आपने कि हमने किस प्रकार सही शब्दों को सही जगह पर लगाया और उन्हीं के गलत रूपों को हमने गलत स्थान पर लगाया। तो इसी प्रकार इस खेल को आप भी घर पर छोटे छोटे कार्ड बनाकर खेल सकते हैं और मात्रा का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।